हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार। चैनल है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी और आप देख रहे हैं ब्रांड स्टोरीज। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर के फेमस ब्रांड्स के बीच में जो कहानियां हुई हैं वो हम आपको बता पाएं, उससे कुछ सीख पाएं। आपको क्या लगता है, ईगो एक धंधे के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्या आप ऐसा कोई केस जानते हैं जहाँ ईगो ने एक धंधे को बहुत नुकसान पहुँचाया हो या फायदा पहुंचाया हो? क्योंकि आज की कहानी ईगो की। लेम्बोर्गिनी का नाम किसने नहीं सुना, बहुत ही प्रसिद्ध कारों का ब्रांड है। और फरारी का नाम किसने नहीं सुना, और भी प्रसिद्ध ब्रांड है। कहानी है वर्ल्ड वॉर के बाद की, वन या टू में भूल चुका हूँ, प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बात है। लेम्बोर्गिनी करके एक साहब थे, वो एक मैकेनिक थे। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका था, बहुत सारी मशीनें बच गई थी, जो टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए, जो कार्स डिस्ट्रॉय हो गई, जो जीप वीप ख़राब हो गई, बहुत सारी मशीन बची थी। तो ये साहब क्या करते थे, इन पुरानी मशीनों से ट्रैक्टर बनाते थे, यानी लेम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर बनते थे उस टाइम पे, कार वार नहीं बन रही थी। और ये ट्रैक्टर बहुत अच्छे बनाते थे, बहुत अच्छे मैकेनिक थे, ये बाज़ार में बेचते थे, भरपूर डिमांड इनके ट्रैक्टर्स की, भयंकर धंधा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, भयंकर पैसा कमाया भैया लेम्बोर्गिनी भैया ने। अब इनको शौक था स्पोर्ट्स कार का। उस जमाने में दुनिया में एक ही आदमी था स्पोर्ट्स कार के नाम पे, फरारी, एंजो फरारी जो उसके मालिक थे। फरारी का ब्रांड चलता था, इटालियन ब्रांड। इन्होंने फरारी खरीदी। अब भाई थे तो मैकेनिक, टेक्निकल दिमाग, गाड़ी चलाते थे, कहते थे यार इसमें कहीं नॉकिंग हो रहा है या कोई ऐसे छोटा सा चीज़ थी। इन्होंने कहा यार ये मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं एंजो फरारी को हम बताते हैं भैया कि यार ये थोड़ी तकलीफ है तुम्हारी। अब ये पहुंच गए फरारी साहब से मिलने, मालिक, फरारी कंपनी के मालिक। उन्होंने कहा कि अरे भैया ये आपकी कार में ये दिक्कत है। भाई वो आ गए ईगो में, बोला तुम दो टके के आदमी, तुम साले मैकेनिक, तुम एंजो फरारी को बताओगे कि फरारी में क्या तकलीफ है और कार में रहो? भैया ये चटक गए ये सुन के। इन्होंने कहा यार ऐसा कैसी बातें कर रहा है ये आदमी, एक तो मैं इसको बताने आया हूँ, पॉजिटिवली बताने आया हूँ कि ये चीज़ें ठीक कर ले, वो ठीक तो कर नहीं रहा, ऊपर से मुझे गाली दे रहा है। अब भाई एक फैजल खान हुए थे ना अपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में, भाई का, बाप का, माँ का, सबका बदला लेगा तेरे फैजल, तो ये लेम्बोर्गिनी फैजल भाई बन गया। उन्होंने जाके अपनी कंपनी चालू कर दी लेम्बोर्गिनी, मतलब तुम्हें ही निपटाऊंगा मैं। और लेम्बोर्गिनी आज की तारीख में बहुत बड़ा ब्रांड है कार्स का, फेरारी का बहुत मार्केट शेयर उसने खाया है। लेम्बोर्गिनी कभी नहीं बनता अगर एंजो फरारी ने ढंग से बात की होती, ईगो नहीं दिखाया होता, सुना होता, हैंडल की होती सिचुएशन। तो कई बार क्या होता है, छोटा सा ईगो आपको जन्म जन्मांतर की दुश्मनी दे देता है, न केवल पर्सनल बल्कि कई बार प्रोफेशनल। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे वीडियोज हम बनाते रहते हैं।